Welcome students, here we are going to start our third lecture of class 5 computer science. So students, according to your diary, let's start the reading from page number 9. Fourth generation computer 1971 से present till now continue है. इसमें LSI large scale integration और microprocessor इस्तेमाल हुए थे. अब microprocessor में क्या चीज़ इस्तेमाल हुई थी? Millions of components on small chip. आपने motherboard देखा होगा green color का, जिसके ऊपर बहुत सारे components लगे हुए थे. microprocessor ने उन बहुत सारे components को एक small chip पे जो है अपने मतलब use किया हुआ था. अब microprocessor में वो कह रहे हैं integrated circuits होते हैं that contain thousands and millions of transistors. माइक्रोप्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर आपके पास ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं, जो कि ज़्यादातर अब ये कंप्यूटर जो थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. इसमें इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी. इसके साथ साथ इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी था, CPU, जिसे हम कहते हैं इंटेल 4004 एंड इंटेल 8080 इसकी एग्जाम्पल में आता है. इसके साथ ही आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है. जो आजकल के कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं उसी तरह का भी ये एक कंप्यूटर है. द नेक्स्ट टॉपिक इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी आई नहीं है, लेकिन इन द माइंड्स ऑफ, देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन द माइंड्स ऑफ एडवांस्ड रिसर्च साइंटिस्ट एंड बीइंग टेस्टेड इन आउट द लेबोरेटरीज. ये अभी मतलब साइंटिस्ट इसके बारे में सोच रहे हैं और इस पर थोड़ा बहुत काम जो किया जा रहा है और उसी को लेबोरेटरीज के अंदर टेस्ट किया जा रहा है. और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इस्तेमाल की गई है. इसकी एक एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है, दैट इज रोबोट्स. यहां तक होगी हमारी जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर होगी. आगे हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. दोनों में एक डिफरेंस देख लीजिएगा, ये जनरेशन हैं और ये टाइप्स हैं. टाइप्स को आपके पास स्पीड, साइज और मेमोरी के लिहाज से डिफरेंट किया गया है. सबसे पहले सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो. सुपर कंप्यूटर्स अभी हम पढ़ते हैं. सुपर कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड. दे हैव द लार्ज, वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड. सबसे पहले आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड भी ज़्यादा फास्ट है. इसे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग में, लॉन्चिंग रॉकेट्स को लॉन्च करने में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल है इसके लिए आपके पास क्रे 1 एंड ब्यूवल्फ. मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके पास है लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव देन सुपर कंप्यूटर्स. इसमें आपके पास इससे कौन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? बिग ऑर्गेनाइजेशंस में ये ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, लाइक बैंक्स, लार्ज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स. इसकी एग्जाम्पल में है IBM 390 एंड Z900, या इसकी डायग्राम आपके पास शो की गई है. मिनी कंप्यूटर्स हैं आपके पास. मिनी कंप्यूटर्स जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं. वी आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन वर्क टूगेदर. एक नेटवर्क के तौर पे इस पे काम किया जाता है. स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये इससे ज़्यादा छोटे होते हैं जी. इसकी एग्जाम्पल में है PDP-8 एंड वैक्स. माइक्रो कंप्यूटर्स आपके पास आ जाते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स, मतलब ऊपर जो भी आप जितने भी दो कैटेगरीज या तीन कैटेगरीज आप पढ़ चुके हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं देन मिनी कंप्यूटर्स. पर्सनल कंप्यूटर्स भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि आप घरों पे इस्तेमाल करते हैं और इसे अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल में पीसी कंप्यूटर, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ जाते हैं. नेक्स्ट है आपके पास लैपटॉप्स और नोटबुक्स. ये तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए आपको इसके बारे में पता भी होगा. मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती है इसमें बैटरी ऑपरेटेड होता है. इसमें इसे आप किसी भी टाइम पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लैपटॉप्स इतने छोटे होते हैं कि आप इसे अपनी फिट ऑन लैप ऑफ अ यूजर, लैप कहते हैं गोद को, कि आप इसे अपनी गोद में भी जो है रख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडहेल्ड और पॉकेट पीसी. इसे आप अपने एक किस्म का मोबाइल जो हम एंड्रॉयड यूज कर रहे होते हैं वो भी कह सकते हैं. हैंडहेल्ड और पॉकेट इवन आर स्मॉलर देन लैपटॉप्स. इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग पैड इनके ऊपर होता है, जो कीपैड हम ऊपर यूज कर रहे हैं उसकी बात हो रही है. टच सेंसिटिव स्क्रीन ये आप देख भी सकते हैं, टच सेंसिटिव स्क्रीन आजकल यही ज्यादा है. उसके बाद फ्रीइंग यूजर्स फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ कीबोर्ड. इसमें आपके पास कीबोर्ड की किसी किस्म की कोई भी कंडीशन नहीं होती, आपके पास टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है, उसी के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पैड आ जाता है जिसमें आप इजीली लिख भी सकते हैं. यहीं तक की हमारी रीडिंग थी, आज का इख्तिताम हुआ. इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.